आज संपूर्ण भारतीय सेना की जो तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत के युवाओं की ओर से हम लोग आए हैं। हमारा 2019 से जो भर्ती चल रही थी उसके अंदर 2021 में हमने जो फिजिकल पास किया उसके रिटर्न एग्जाम संपूर्ण भारत में 47 AR BRO है उनके अभी तक नहीं हुए हैं। उस कारणवश काफ़ी युवा सेना से वंचित हो रहे हैं, उनकी ओवरेज हो रही है, उनका रिटर्न एग्जाम नहीं ले लिया जा रहा है। पहला मुद्दा हमारा वो है। दूसरा मुद्दा हमारा जिन लड़कों का ट्रेनिंग भी हो चुका है एयरफोर्स में, नेवी में, जो भी फोर्स होती है सेंट्रल की फोर्स, उनका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में भी उनको अंदर नहीं जाने दे रहे साहब, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तीसरा मुद्दा हमारा TOD से संबंधित, TOD का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं पर एक साल के लिए ही 23 साल तक एज नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए 23 साल तक एज होना चाहिए। इन तीनों मुद्दों पर हम भारतीय सरकार को आग्रह करते हैं एक अनुशासन तरीके से कि आप हमारी मांगों को 7 दिन के अंदर पूरी करें, अन्यथा आप 7 दिन में पूरी नहीं करते तो मैं वीर फोर्स ग्रुप की तरफ से संपूर्ण युवा जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा उनकी तरफ से आग्रह करता हूँ। रक्षा मंत्रालय को, राष्ट्रपति महोदय को, हम प्रशासन से, सरकार से, सभी से लड़ने के लिए हर तरह के ऐसे आगे आएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो। हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूँ, आप लोग सब न्यूज़ को दिखाते हैं, हम जवानों के साथ दुचार हो रहा है, हम लोग 10-10 हज़ार रुपये महीने हम लोग बाहर से यहाँ रहते हैं, 1-1 लाख रुपये हमारे माता पिता हमारी ज़मीनें बेचते हैं और ज़मीनें बेच करके उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है। आज हम सेना से वंचित हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग मर रहे हैं, 142 जवान अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, बच्चा कहाँ जाएगा, 4 साल के बाद वो क्या बनेगा, आप लोग सोचो। ओवरएज होने का डर सता रहा आप लोग, बहुत डर सता रहा है सर, काफ़ी लोग रो रहे हैं, युवाओं ने 2 दिन से भोजन नहीं कराया, काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं। हम समझदार हैं, मैं संपूर्ण भारतीय भाइयों की ओर से कहना चाहता हूँ आप लोग सुसाइड मत करो, हम हमारी अक्की लड़ाई है, हम लड़ेंगे हर तरीके से लड़ेंगे, किसान आंदोलन की तरह अब राष्ट्रीय स्तर पर जवानों का आंदोलन होगा और सरकार को, भारत सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं रघुवीर सिंह युवाओं की ओर से सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर 7 दिन में आप लोगों ने हमारी इस मांगों को पूरी नहीं की तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, हर तरीके से लड़ने को निपटने को हम सरकार से, प्रशासन से सबसे तैयार है।